दिवस जननी धर धीरा और कपिल सहित अहिने रघु पीड़ा निश्चर मार थोड़ी नहीं कही है। जब हनुमान जी ने ये बात कही अब सीता माँ की दया आ गई और दया आकर के क्या बोली है सुत कपि सब तुम्हें समान ये छोटे छोटे बेटा तू छोटी मुंह बड़ी बात कहता है तो मेरे को गुस्सा नहीं आ। जब मां ने देखा अब तो जो प्रसन्नता हुई अजर अमर गुण निधि सुत हो करो बहुत ये दो बार बेटा कह दिया। कितनी बार? दो बार। अच्छा तीन बार में पक्की होती है? कितने में पक्की होती है ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तीसरा क्या करें? तब हनुमान जी ने एक चाल और चली कि विज्ञानी नाम प्रगण्य। मां सबसे ज्यादा राजी होती है जब बेटा जीन लेता है तब। खुद जीन जी तब इतनी राजी नहीं होती है जितना बेटा जीन लेवे तो राजी होती है। तो कुछ भोजन की चर्चा चलाओ। मां मेरे को भूख लगी है। तब मां फिर से बोली सुन सुत कर विपिन रखवारी। तीसरी बार जब बेटा हुआ कहा आप तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए ये पक्का हो गया। तीन बार हो गए। चित्रकूट में एक संत जी केवल यही तक सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बोले इतने में ही हनुमान जी राजी हो जाते बेटा बन गए। आगे तो दूसरी चर्चा चलेगी लड़ाई झगड़ा की। सुंदरकांड वो इतना ही मानते हैं कि हनुमान जी इस बात से राजी हो जाते हैं। ठीक है। जब इस तरह से बढ़िया सुंदर चर्चा हुई हनुमान जी को कहा देखो बेटा यहाँ वो खाली बहुत लोग करते हैं फूल फल फूल तोड़ना मत जो नीचे गिरा हो उसको पाना। फल तोड़ने के लिए मना किया था और हनुमान जी ने क्या किया फल नहीं तोड़ा पेड़ तोड़ा। क्या तोड़े? हमारे इस भारत भूमि की इतनी विशेषता है चाहे जितना कड़क नियम बना लो तोड़ने का रास्ता जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ये ज्यादा दिमाग अपने भारतीयों का बहुत होता है। मैंने सुना है भाई कि एक कोई विश्व सम्मेलन हुआ तो वहां का जो ट्रस्ट था उसने एक देश का एक ही व्यक्ति अलाउ किया और सिक्योरिटी में मशीनें लगाई कि मनुष्य से भूल हो सकती है मशीन से नहीं। मशीन घुस भी नहीं लेगी एक देश के लिए एक ही बार खुलेगी। और जब वो मंच संचालन करने वाला आया और गिनती किया तो बोला देश को जितने देश को निमंत्रण गया था उनमें से एक व्यक्ति ज्यादा था। अब किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है बस वो व्यक्ति खड़ा हो जाए जिस देश से दो आए हो उसी की इस बैठक में जीत है। भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी पर अगर दो आए तो आए कैसे? दो भारतीय खड़े हुए। ठीक है हम भारतीय लोग बोले तुम दो आए कैसे इतना बता दो। सारे वैज्ञानिक मिलकर के ये मशीन बनाया है इससे कभी भूल नहीं हो सकती है आए कैसे? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात थी एक बार तो खुलती थी जाने के लिए दूसरे को कंधे पर उठा के ले आया था मैं वहां कोई आदमी थोड़ी था। हो गया ना तो ओ बेचारा हक्का पक्का रह गया हम जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकते थे। भले एक बार में तो जाने देती थी ना उसको क्या पता हम दो हैं कि एक है। एक बार खुली एक को कंधे पर उठा के लारी दर रख दिया हो गया काम। आदमी होता तो रोकता हुआ है तो मशीन ही। बोले जाओ तुम्हारी युक्ति तुम्हारे भारत भूमि के जो दिमाग है ऊंधे काम के लिए बहुत चलते हैं। ठीक है अगर यही सूधी तरफ चल जाए तो ये विश्व गुरु था। और मैंने चुटकुले में और सुना एक बार कोई व्हाट्सएप पर आया हुआ था इसी जमाने का चुटकुला। ओबामा से पूछा तुम्हारा ये अमेरिका इतना बड़ा हुआ क्यों? बोले भारत की कृपा से। बोले भारत की कृपा कैसे? बोले भारत में आरक्षण चलता है वो जरूरी है योग्य व्यक्ति को मैं बुला लेता हूं। बोले ठीक है वहां योग्य की जरूरत नहीं है वहां आरक्षण जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? और जो योग्य है उनको मैं बुला लेता हूं। आज भी देख लो उनके जितने वैज्ञानिक और डॉक्टर मान मिलेंगे वो शायद भारत में होंगे। तो भैया देखो ना कीमत है हमारी भारत भूमि में उल्टी बातें बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। दिमाग बहुत है यहाँ के लोगों में। आज हमारे हनुमान जी जब माँ ने कह दिया बेटा फल मत तोड़ना तो फल नहीं तोड़ा। क्या तोड़ा? फिर पेड़ तोड़ा। माँ अब बोले अब तो मर्जी जैसा खासा समझ गई मैं। ठीक है
बस भगवान का ध्यान करके पाना। हनुमान जी जा सुंदर स्वप्न को साकार कर रहे हैं। सपने बानर जा तुधान सेना पहले आते, ठीक है। जितने लोग थे आए रोकने के लिए, हनुमान जी जो सुंदर। अच्छा, बंदर का मार भी बड़ा विशेष होता है, कोई चीज लेंगे तो इतना तेज रगड़ते हैं उसको, सूंघते हैं, कुछ बचा क्या आप देखना कभी। छोटे छोटे कीड़ी को मैं देखा, चींटे जो होते हैं ना, उनको एक बार में इतने थप्पड़ लगाते हैं वो, उसके बाद उठाते सूंघेंगे कुछ बचा क्या। हनुमान जी का आदत वही, आप देख लेना। कछ मर्दे से किसी को तो मसल दिया, कछ मिलई से धर धूल, धूल के अंदर किसी को दो को लाके टकरा देते हनुमान जी, किसी को चार पांच लाके एक ऐसे ऐसे कर देते, ठीक है, जैसे आप लोग धनिया डालते हैं ऐसे करके, ऐसे करके छोड़ देते। बट विचित्र तरह से हनुमान जी के मारने का तरीका यहाँ ऐसा विचित्र लिखा, इतने में कोई ना कोई धनिया साबत बच जाती है, वो भाग गई वहां से, ठीक है, लंका के रावण जी के पास। महाराज, बोले क्या हुआ? बोले बंदर आया है। अरे बोले बंदर आया तो अंदर कैसे आया यहाँ? बोले यही नहीं पता, बंदर आया और अंदर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दी। बोले तुम लोग कर क्या रहे थे? बोले जो कर रहे थे वो तो गए, मैं कुछ किया नहीं इसलिए भाग गया यहाँ। जो कर रहे थे वो तो गए, मैं तो किया नहीं, बात बता के आया हूँ, सूचना दे रहा हूँ। बोले ले जाओ अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार पहुंचे और हनुमान जी ने एक ही मुक्का में छेद कर दिया। सबसे पहले इनको छोड़ा नहीं, जानते हो क्या कारण है? जब तक ये अक्षय नहीं मरेगा तब तक अंगद लंका नहीं आ सकता है। तभी उस अंगद ने कहा था कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। कारण क्या है? ये अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे, ठीक है। अंगद भी बहुत बलशाली था, इसका पिता बाली अक्षय कुमार के पिता से बलशाली। रावण को पकड़ लाया और 6 महीना काख में दबाया घुमाता, और थोड़ी देर छोड़ता भी तो अंगद जहां ऊपर सोता नीचे चारपाई पर नीचे बांधता, सुसु करवाता ऊपर। अब आप सोचो जिसके पिता की ये दुर्गति हुई हो वो अक्षय कुमार जलता, और जैसे गिनता अंगद अच्छी तरह से पीटते। एक दिन कई बार जब शिकायत गुरुकुल में हुई, ठीक है, तो गुरु जी ने अंगद को साफ कह दिया कि अगर अगली बार तू मैं इनसे अच्छे से लड़ा तो तेरी मौत हो जाएगी। उस दिन से ये लड़े नहीं। इसीलिए अंगद कहते हैं कि अगर मैं वहां गया तो वरदान तो उसे मिला, वो मेरे को मार ही देगा, बचपन से मैंने भूख पीटा हुआ है उसको, ठीक है, तो चला तो मैं जाऊंगा लेकिन आने में संशय है, हो सकता है वो कहीं बाहर गया हो तो मैं आ सकूं, अगर वहां होगा तो आना मेरा मुश्किल। तब जामोदर ने कहा नहीं, पहले तुमको नहीं भेजते हैं, पहले किसी ऐसे को भेजते हैं जो वो कांटा उखाड़ के फेंके, पहले आगे काम आएंगे। हनुमान जी गए, हनुमान जी को पता था कि अंगद के रोकने का यही है, उसको कुछ बोले नहीं, पहले पहले मारना ही है, इसको समझाना नहीं है, इसको रखना ही नहीं है। अब बताओ भाई, जिसको रखना ही ना हो उसको साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? सीधे उठाया कुल्हाड़ी और जड़ से समाप्त। कोई काम का हो तब तो रखे। हनुमान जी ने एक ही मौका में अक्षय का क्षय कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले वो बंदर। अरे वो बंदर, बंदर तो मैं सुन लिया, आगे क्या है? बोले अक्षय कुमार मार दिया, अक्षय कुमार ने बंदर को। बोले ना, बंदर ने अक्षय कुमार को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ आए, हनुमान जी ने उनके भी एक मुक्का लगाई। जब उनकी एक मुक्का लगाई तो वो मूर्छित हुआ और समझ गया कि ये ऐसे नहीं काबू में आएंगे। मेघनाथ भी बहुत होशियार था, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का आदर किया है भाई। चाहते तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं आता हनुमान जी पर, क्योंकि वरदान प्राप्त है, लेकिन नहीं, बड़ों का मान रखना ही हनुमान जी की निशानी है भाई। जब ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान जी ने स्वीकार कर ली, और इसके बाद
नागभास और चला दिया तो ब्रह्मास्त्र तो समाप्त हो गया, बचा नागभास। नागभास को तो कब हनुमान जी मरोड़ देते थे, लेकिन उसको भी नहीं मरोड़ा। मेघनाथ ने कहा जाओ पकड़ो इस बंदर को। हनुमान जी ने पूंछ हिलाई, ये हनुमान जी की पूंछ भी बहुत खतरनाक है, साधारण पूंछ नहीं है, इससे भी बहुत पीटा था हनुमान जी ने सबको। जो मार खाए हुए हैं वो पीछे हटे पूंछ हिलते, अरे जाना क्या बात है, बोले वो पूंछ अभी भी हिल रही है, खाली है, बोले रस्सी से बांध दो। रस्सी से पूंछ बांधी तो नागपास तो समाप्त हो गया। इतना ज्ञान ज्ञान से सुनना, कई बार आपने किसी के अंगुली में देखा होगा, इतनी बिंती होती है, इतनी बिंती होती है, अंगुली कम पड़ गई अभी भी पहनना बाकी है बिंती, और फिर भी दुख पूरा नहीं दी हुआ देखा है कि, और किसी किसी के हाथ में एक भी बिंती नहीं है फिर भी हंसी है वो। इसका रहस्य जानते हो क्या? एक समझ नहीं पाए, पूरे शरीर में एक ही चीज का काम आता है, सबका प्रभाव नहीं रहता है। एक चीज तुमने डाली है उसका प्रभाव पूरे शरीर में रहेगा, जैसे तुम दूसरी डालोगे वो न्यूट्रल हो जाएगी, उसका प्रभाव हो जाएगा। लेकिन लोग जब नहीं जानते हैं तो एक ही साधे सब सदे तो जान नहीं पाए, अब सब साधे चली जा रहे, एक दूसरे का काट करते हैं, ये विपरीत होते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो कहूं अगर एक ही पर विश्वास करना है तो भगवान रूपी बिंटी पहन लो गले में और निश्चिंत हो जाओ, दूसरी बिंटी धारण ही नहीं करनी चाहिए। और नहीं तो भैया देखने को मिलता है गला बाजू कमर अंगूठा अंगुली सिर कान नाक सब जगह फिर भी रो रहे हैं बेचारे, मेरे नहीं सस्ती है। अरे मस्त रहो, ठाकुर जी का एक बढ़िया नाम लो और मस्त रहो, क्योंकि एक बार में शरीर पर एक ही चीज का प्रभाव रहता है, फिर वो न्यूट्रल होता है। जैसे ब्रह्मास्त्र था तो ब्रह्मास्त्र का जब नागभास डाला तो ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया, न्यूट्रल हो गया, और जब नागभास था इन्होंने रस्सी डाली तो नागभास समाप्त हो गया, वो रस्सी बची और रस्सी में बंध करके हनुमान जी जा रहे थे। जो लोग हनुमान जी का मुक्का हनुमान जी की पूंछ ये दो वर्णन आया है ये खा चुके हैं, वो हनुमान जी के आसपास भी भटकते नहीं है, वो आगे आगे पहले चलते हैं, जो बचेंगे तो सब ठीक रहेगा। और जो नए थे बेचारे नए और हनुमान जी बंधे जा रहे हैं, वो आकर के थोड़ा बड़े नजदीक गए और पीठ पर हनुमान जी के हाथ से लगा, वाह बड़ा उत्पाती था, पता है महाराज क्या करेंगे तेरे साथ, बड़ा उत्पाती बनता था। हनुमान जी ने कहा शायद नया आया है, इसको पता नहीं है हमारे पास आने का फल क्या होता है, उसका बहुत प्राप्ति लंका प्राप्ति नहीं लिखा है हनुमान जी के पास, पूछ लपेटा जो फेंका वो गए समुद्र में, हो गई पर शादी होने की। किसी ने कहा फलाने जाए थे कहाँ गए, बोले जाना वो वहां तो पीछे चले जाओ उस बाबा के, वही पहुंच जाओगे तुम भी, कोई डर के मारे हनुमान जी के पाछे नहीं पड़ता है। आप लोग कहते हो ना महाराज ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हनुमान जी के पीछे लंका में भी कोई नहीं पड़ता, क्या हनुमान जी का प्रभाव है। किसी ने पूछा हनुमान जी आप इतने बलशाली हैं फिर भी बंधे हुए जा रहे हैं, तुमको लाज नहीं आती है? चौपाई कहती है आपको लाज नहीं आती है? हनुमान जी ने कहा मेरे को लाज, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, क्यों कीन चाहो निज प्रभु कर लाजा। अरे मैं कोई ससुराल थोड़े ही आया हूँ भैया जो लाज शर्म करना चाहिए मेरे को, हम अपने राम जी का काम करने आए हैं, अगर काम खुले में होगा तो खुल के करेंगे और काम बंधन से होगा तो बंधन में पढ़ के करेंगे। किसी ने पूछा जब आप कर सकते हो तो फिर बंध के क्यों? बोले यहाँ मेरे को ये रास्ता ठीक लगा। बोले वो कैसे? बोले यहाँ का वो राजा है मेरे को टाइम एक महीना में देवे दो महीना में देवे छह महीना तक हम यहाँ बैठे रहेंगे,
वो राजा है, अगर मिलने के लिए मैं सूचना भेजा और कह दे दो महीना बाद मिलेंगे तो राजा हम क्या कर लेंगे यहाँ उसका, और अभी बन के जाएंगे हाथों हाथ मिलेंगे उससे, ठीक है, अपना तो काम है केवल मिलना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो पता नहीं कितने दिन बाद देवे टाइम मिलने को, खोटी होगी हमारे राम जी की। और एक बंधन तो है ये, तो हम कभी का तोड़ देंगे, एक बार मिल ले एक बार उससे। और सच्ची बात यही हुई, फटाफट सारे काम छोड़ दिए गए, पहले बंदर लाओ। महाराज कहा सबबो नहीं अंदर ही, बंदर अंदर लाओ तो। हनुमान जी बोले काम बन गया अपना, और क्या। गए अब बढ़िया सुंदर सब जगह सभा लगी। रावण ने पहुंचते पूछा कौन है बंदर तू? हनुमान जी ने कहा राम दूत दस बंदर है, मैं राम का दूत हूं, किसकी पल पर ये बाटिका उजारी? बोले जाबल शीश धरे सहसाना, अंधकोश तमे दिगिरिकाना, जिसके बल पर तू इतना बड़ा बली बना है उसी के बल का मैं, उसी के बल पर ये बाटिका उजारती तुम्हारी। बोले तुमने मारपीट क्यों किया, क्यों मारा हमारे बेटे को? बोले ना ऐसी बात नहीं है, मैं कोई शुरुआत नहीं किया, मैं तो बानर था, फल खा रहा था, मेरा स्वभाव है, एक हाथ थोड़े बीच में फेंक दिया, पेट भर का मैं छोड़ देता नहीं, मेरे भूख लगी थी महाराज, मैं तो खाने लगा। ये तुम्हारे लोग आकर के जब मारे, ये पहले ये मारे और फिर मैं मारा, अब जो कमजोर था मर गया तो मैं क्या करूं? भाई इसमें मेरी क्या गलती है? गुस्से में कोई तौल करके काम करता है क्या? कि 50 ग्राम देना है इनको 100 ग्राम, इनके जो थी इन्होंने किया, मेरे जो थी मैंने किया, अब इनके नहीं संभला तो मैं क्या करूं? फिर भी महाराज रावण तुम्हारे लोगों ने मुझे बांध करके लाए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया था। बोले बड़ा नहीं डरे भाई, तेरी मौत आई है मौत। हनुमान जी ने कहा मेरी नहीं आई है मौत, तो थारी आई है, तो दिखती इधर उल्टा है, एक शीशे में भी मुख जाके देखना तुम लोग, तुम्हारा खुद का मुख उल्टा दिखता है, दिखता है कि नहीं? दाहिना बायां हो जाता है, और बायां इसीलिए जो पहली बार दाढ़ी बनाते होंगे और ब्लेड कहीं शीर्षक है ज्यादा कहीं है, क्योंकि वो अभ्यास उल्टा दिखता है, होता है भाई कि नहीं होता है? हनुमान जी ने जब ये कहा उन्हीं के सभा में और रावण के मरने की बात, उससे आज तक पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, उसने कहा मार दो इसको। रावण ने कहा मार दो, तो जो जानते थे वो तो उठे नहीं, वो नहीं उठे, जो नहीं जानते थे वो उठे, और जैसे उठे उसी समय विभीषण जी महाराज का सिर नीति विरोध नमारिय थी का महाराज नीति विरोध करती है, दूध को मारना नहीं चाहिए, दूध अपने मालिक के लिए सब कुछ कराएगा, लेकिन आप दूध को नहीं मार सकते हैं, दंड दे दो। क्या दंड दे? तो सारी सभा वाले ने कहा महाराज पूछ, ये पूछ खतरनाक है, क्या कहना है भाई पूछ? बोले पूछ क्या करें? बोले काट कर, पूछहीन बानर जब जाएगा ये तो अपने निज नाथ को दिखाएगा, क्योंकि कपि की ममता पूछ पर होती है। बोले काट दो, कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहा है। बोले महाराज कट नहीं रहा है। बोले तेल बोर फटपान पावक देह, चलो हनुमान जी को ले गए। बोले अब पता लगेगा, हनुमान जी ने कहा पता तो लगेगा, अब लगेगा, अब पता ही लगेगा, अभी तक तो पता लगा ही नहीं है तुमको, अब लगेगा। आया कपड़ा किसी गरीबों को बांटने के लिए नहीं, किसे लिया आया है कपड़ा? किसी को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, ये सवाल लंका का। आया कपड़ा लपेटा बांधे, हनुमान जी पतली करके निकाल लिया। बोले तुम बांधो भाई, अब बंध नहीं रही पूछ। जब परेशान हो गए तब जाकर के हनुमान जी महाराज के चारों तरफ को नहीं जानता है जग में कपि, मैंने सुना हनुमान जी आप संकट हटते हो,
आप संकट हरते हो। बोले क्या संकट है बेटा? बोले पूछ बदलवा लो, नहीं तो यरावण हम सबको मार देगा। हमने क्या गलती किया है? हम तो सेवक है महाराज। जब तुम्हारा राज्य होगा तो तुम्हारे, अब इनका है तो इनके। ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, ये इसीलिए किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, ठीक है? इनको पता है आओ जाओ हमें तो रहने ही है। होता है क्या? तो महाराज हम कर्मचारी हो गए, जिसकी सत्ता उसके अधीन, बनवा लो ना, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, निकाल देंगे, मरवा देंगे, कोई बात नहीं। आओ बात नहीं। अब हनुमान जी पूछ पतली करके निकाली नहीं, तब क्या किया? अंदर से बढ़ाने लग गए। इतनी जितना कपड़ा लपेटते उतना और बढ़ जाता है, और लपेटो बांधो, बांधना ही है ना, बांधो बांधो। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि लंका में अब कपड़ा नहीं बचा है। समझ में आ रही? जब कपड़ा नहीं बचा तब फिर आए बाहर सामने हनुमान जी। कौन नहीं जानता है जग में कभी, अब क्या तकलीफ है? बोले कपड़ा खत्म। बोले ये मेरे से नहीं, अपने महाराज को जाओ बोलो, ये व्यवस्था उनकी है। दौड़े दौड़े गए महाराज, महाराज, महाराज। बोले क्या हुआ? बोले कपड़ा खत्म। कपड़ा खत्म कहां गया? बोले उसे पूछ, मैं अभी भी खाली है। फिर ये मत कहना इतना क्यों छोड़ दिया? बोले इतना सब कपड़ा रख दिया? बोले हाँ। बोले तुम लोग जो पहने हो एक एक छोड़ो पाती लपेट दो उसको भी, तन वाले कपड़े भी लपेट दी गए, फिर भी पूरी नहीं पड़ी। हनुमान जी मुस्कुराए, जाके बोले हनुमान जी थोड़ी कृपा करो। हनुमान जी ने बढ़ना बंद कर दिया। पूछ, अब कोरा कपड़ा तो जलेगा नहीं, तेल दिया तो पहले मिट्टी का तेल केरोसिन वो खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल वो भी खत्म हो गया, तेल नाम से जितनी चीज है ना सब खत्म हो गया, चाहे माथे में लगाने वाला हो चाहे घुटने में। हम बिना छाछके का सब्जी खाएंगे लेकिन तेल इसमें चढ़ाएंगे। हनुमान जी के दौड़े दौड़े गए महाराज, महाराज। क्या हुआ? बोले तेल खत्म। तेल खत्म कहां गई? बोले पूंछ में। अरे तो मिट्टी का तेल खत्म हुआ होगा, अब डीजल डालो। बोले वो भी खत्म। बोले वो कहां गया? बोले पूंछ में। तो पेट्रोल डालो? बोले वो भी गया पूंछ में। बोले तो माथे में लगाने वाला वही डालो? बोले सब कर दिया। तेल नाम से अब लंका में कुछ नहीं है। बोले घी रूखी खा ले वो भी डालो। लोगों ने घी भी बाढ़ी पूछ कीन कप खेला, रहा न नगर बसंत घृत और तेला, ये सब समाप्त हो गया। ध्यान देना, अब जब सब समाप्त हो गया अब आग लगेगी। ये सब करके आज हनुमान जी महाराज को पूरी गली दिखाई है, ठीक है? हनुमान जी चारों तरफ रहते, वारे परमात्मा, कोई गली भूल से छूट जाती तो यही लोग दिखा रहे हैं। पुराने बाजे ढोल और देह सब ताली, ढोल गाजे बाजे मंजीरे के साथ ताली बजाते हुए हनुमान जी महाराज को लंका घुमा रहे हैं, ठीक है? आपको नहीं बजानी है, आपको नहीं, वो राक्षस लोग बजाते हैं। आप तो भगत हैं सिंदूर वाले, थोड़ा रुको। हमारे यहाँ ताली का नाम सुनते बजा देते, चाहे कुछ भी हो। हनुमान जी महाराज जो लोग ढोल बजाते ताली बजाते उनको देख लेते, तुम बड़े खुश हो रहे हो, प्रसाद तुमको घर बाद में देंगे, ठीक है? पहले सारी करने के बाद जब वो पूंछ जलानी पड़ी, अब वो आग नहीं लगे, फिर आकर के पूछा हनुमान जी सब प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है, अब ये आग नहीं लग रही है। बोले एक बात बताओ, ये एक घर का प्रोग्राम है या पूरे गांव का? बोले चंदा तो सब घर से आया है। बोले अगर सब घर से आया है तो गांव का मुखिया होगा, उसको लवो उद्घाटन में आवे पूरे गांव की तरफ से। बोले वो तो रावण है, नहीं आएगा। बोले नहीं आएगा तो ये जलेगा भी नहीं।
और मैं यही से छोड़ दूंगा, पर वो मारेगा पूरा भीकर उनका। जा जा बुला ला। एक दौड़ा दौड़ा गया, महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले चलो उद्घाटन के लिए। अरे बोले क्या उद्घाटन करना है? बोले पूंछ में आग लगानी। बोले मूर्ख हूं, इतना बड़ा राजा था कि पूंछ जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा तो ऐसे बदबू मारेगा। उसने खुद ने कहा, रावण आए पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी द्वारा छोटे निकल के सारे बंधन को समाप्त किया, रावण तो चला गया। और उसके बाद जो आग लगाना शुरू किया, उलट पलट लंका सब, उसी समय मरुत चले ऊंचा, पूर्व वाली अलग, पश्चिम वाली अलग, उत्तर वाली अलग, दक्षिण वाली अलग, ये सब क्यों चले? कि कुछ बचे ना। और जब लंका अनाथ जैसे जलने लग गई, तब लोग हाय 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 बचाओ, सब रावण के पास गए। मैंने कहा था ये बानर नहीं, ये कोई देवता है। वारे हनुमान जी, इतना उत्पात करके भी तुम देवता लग रहे हो वहां। लंका का विचार तो देखो, इतना उत्पात हो रहा है फिर भी राक्षसों को भगवान हनुमान जी क्या लग रहे हैं? देवता। महाराज चल रही है लंका, जला दिया। किसने? बोले भाई हनुमान ने। कैसे जलाई? बोले वही पूंछ। रावण ने सोचा ये पूंछ है, हालत खराब करके रखी, पूंछ पूंछ, इसके दिमाग तक पहुंच गई वो पूंछ। ठीक है, मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ जी मां, उस इंद्र को आज्ञा दो, बारिश दमकल नहीं बुलाना है, सीधे उन्हीं को पहुंचा। मैं इंद्र ने पानी बरसाना शुरू किया, और आपको पता है तब तक लंका बहुत गर्म हो गई थी, और गर्म कढ़ाई में थोड़ा भी पानी का छींटा तड़का के समय पड़ता है तो क्या होता है? पता है माता है क्या होता है? गर्म हो जाए कोई कढ़ाई और आप तड़के में थोड़ा भी पानी हो तो वो पानी पानी रह जाता है या पेट्रोल? लंका खूब गर्म हो ही रखी थी, बरसाया पानी और जोर लपट उठा। रावण ने कहा ये क्या कर रहे हो? पेट्रोल नहीं पानी। इंद्र ने कहा तुम्हारी किस्मत की निशानी है ये, मैं तो पानी बरसा रहा था। अब बरसाना है कि बंद करना? बोले बंद कर दो इसको, जलने दो एक बार। अब पानी भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब समय विपरीत होता है तो देख लो क्या दशा होती है। अब वो लंका सोने की थी, जल नहीं रही थी। शनि देव को बांध रखा था उल्टा, और शनि देव बेचारे चल रहे थे। हनुमान जी से कहा हमें तो छुड़ा दो। बोले एक शर्त पर छुड़ाऊंगा, तो अपनी दृष्टि से देख इसको पहले। बोले खड़ा तो करो, ऊंडा लेटा रखा है मेरे को। समझ में आ रही कि नहीं? एक बार प्राण बचाओ, सुधा करो, उसके बाद मैं देखता हूँ इसको जलेगी कैसे नहीं। और शनि की सीधी दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, जो लंका पर डाले तो लंका भस्म हो गई। तभी से कोई हनुमान जी महाराज की उपासना करने वाला हो, शनि देव इस पर अपना प्रभाव नहीं जताते, क्योंकि उन्हीं कारण बचे नहीं ये ऋण है। इसलिए शनिवार को हनुमान जी को याद करते नहीं जाता। ठीक है, समझ में आया? तो मंगलवार है, शनिवार को जो करते हैं वो हनुमान जी खुश होने चाहे नहीं खुश हो, और शनिचर को खुश हो ही जाएगा। ठीक है, उससे बच जाओगे, संकट दूर हो जाता है। इसलिए हनुमान जी तो हनुमान जी है, इनकी महिमा सब सब विराजमान है, सबकी सहायता किया, सब देनी है इनके। हनुमान जी महाराज ने जब शनि से कहा, शनि ने सीधी दृष्टि जब देखा, लंका लंका समाप्त, सब कुछ चला, लेकिन एक विभीषण कर गृह नहीं, उनका नहीं चला। किसी ने हनुमान जी से पूछा विभीषण का घर क्यों बचा? बोले उन्होंने चंदा नहीं दिया था इसमें, इसलिए प्रसाद नहीं गया। ये तो सिद्धांत है, समझ में आ रहे? जिसके घर से चंदा आया, प्रसाद बराबर पहुंचाया उन्हें, अब उन्होंने सब मिली नहीं हुए तो नहीं हुए, तो हम भी नहीं दिए। और छलांग लगा करके गए, ऊंच बुझाया, ऊंच बुझा के अजरवास से चले हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी पूछ पूछा करके बानरों से मिले, तो बानर बोले वारे हनुमान जी वाह,
कम से कम किसी का घर बार जलाना हो तो अपने घर से माचिस तीली तो ले जानी पड़ती है, और आप उन्हीं का घर उन्हीं की माचिस उन्हीं की तीली, बोले मैंने जलाया नहीं, उनका पाप ने जलाया है, मैं क्या जलाया। सारी लंका जो पूछ जलानी चाहती थी वो घर घर हनुमान